अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फराशा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ YT स्टूडियो यानी यूट्यूब स्टूडियो के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को इसमें से सिखाऊंगी कि हम यहाँ से एडिटिंग कैसे करते हैं। कुछ अपलोड करना हो, एडिटिंग करनी हो, और YT स्टूडियो में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और यहाँ पर हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम YT स्टूडियो ऐप आप लोगों ने, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। और ये देखें, यहाँ से हम लोग खोलेंगे। ये हमारे पास YT स्टूडियो का डैशबोर्ड आ गया है, ठीक है। सबसे मेन स्क्रीन जो है वो उसकी ये है। तो यहाँ सबसे ऊपर टॉप में एनालिटिक्स है, जहाँ पर हमें लास्ट 28 डेज़ यानी ये आखिरी महीना जो है इसके अंदर हमारे कितने मिनट्स वॉच टाइम्स आ चुके हैं और कितने व्यूज़ आए हैं, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो ये हमें यहाँ पर मेन स्क्रीन पर दिखाएंगे लास्ट 28 डेज़ के। और नीचे लास्ट वीडियो ने कैसा, लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड की उसने कैसा परफॉर्म किया, उसकी रैंकिंग कैसी जा रही है, तो वो हम यहाँ से देखेंगे जो सामने दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे वीडियोस, तमाम वीडियोस हैं। यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद हम देखेंगे। नीचे कमेंट्स का सेक्शन है, जो लेटेस्ट कमेंट्स हुए हैं हमारे चैनल पर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से हम लोग जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से देखें हमारे लास्ट 20 आवर्स में कितने व्यूज़ आए हैं, और इन्हीं ये वीडियो अपलोड किए हुए 20 आवर्स हो चुके हैं, तो वही दिखा रहे हैं, वरना इसमें लाइफ टाइम या फिर 28 आवर्स इस तरह से दिखाते हैं। इसके अलावा एवरेज ड्यूरेशन कितनी है, एक बंदे ने कितनी, यानी जो लोगों ने खोली है वीडियो, तो कितनी तकरीबन ये वीडियो देखी गई है, कितने मिनट तक, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। और नीचे टोटल वॉच टाइम कितना है, 96 मिनट्स तक है, ठीक है। ये नीचे इसके कमेंट्स है। और मज़ीद इसके एनालिटिक्स देखना हो तो गो टू वीडियो एनालिटिक्स, यहाँ मज़ीद तफसील है, सारा कुछ तफसील से लिखा गया होता है। लेकिन अभी ये सारा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी एक दिन दो दिन वीडियो को होंगे, तो उसके बाद फिर ये तफसील से दिखाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर पूरी तफसील इसकी मौजूद नहीं है। तो चले हम, अच्छा अब यहाँ से हम आते हैं वीडियोस की तरफ, ठीक है। ये देखें यहाँ पर अब ये सारी वीडियोस हैं, इनमें से हमको ये एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हाउ टू अपलोड यूट्यूब स्टोरी, ये हमने क्लिक किया। यहाँ से गो टू एनालिटिक्स यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो ये मज़ीद तफसील हम इसकी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। और ये एनालिटिक्स बड़ी ही मज़े की चीज़ है, यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी तफसील देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारी वीडियो पे ट्रैफिक सोर्स कहाँ से लोग आए हैं, तो यूट्यूब सर्च कितने 34% है, चैनल पेजेस से जो आए हैं लोग वो इतने हैं, और बाकी ब्राउज़र से, नोटिफिकेशन से जो आए हैं अदर्स, ये सारी यहाँ पर है। लाइक्स और डिसलाइक्स कितने पाए हैं इस वीडियो ने, और इसके अलावा वॉच टाइम लास्ट 28 डेज़ में वॉच टाइम कितने मिनट्स का हो चुका है, 79 मिनट्स का। इसके अलावा व्यूज़ देखें, 28 डेज़ में कितने व्यूज़ पाए हैं इसने, इस वीडियो ने। अब रेवेन्यू में आते हैं, यहाँ पर हम कमाई से मुतालिक हम देख सकते हैं। अभी तो मेरी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो यहाँ से हम लोग नहीं दे, यहाँ पर शो नहीं किया गया कुछ भी। डिस्कवरी में आते हैं, यहाँ पर इम्प्रेशंस देखें, और ट्रैफिक सोर्स टाइप ये देखें, यूट्यूब सर्च कितना है, चैनल पेजेस, ये वही जो अभी मैंने बताया। अच्छा, इसको सर्च जो किया गया है, इस वीडियो को किस तरह से किया गया है, ये देखें, यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स सर्च किए गए हैं, तो हमारी वीडियो आई है, हाउ टू अपलोड स्टोरी ऑन यूट्यूब, और बाकी सारे यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया वीडियोस का। अब प्लेलिस्ट, हमारी जो प्लेलिस्ट हैं वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये सारी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है वो यहाँ पर है, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कमेंट्स में आते हैं, यहाँ पर ये सारे कमेंट्स हैं जो वीडियोस पर किए गए हैं,
अच्छा, ये सारे कमेंट्स हैं। इसके अलावा जो स्पैम कमेंट्स हैं जिसमें लाइक सब्सक्राइब जैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं या फिर लिंक्स शेयर किए गए हैं, तो वो हम लोग कैसे देखेंगे, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखें स्पैम है और हेल्प और रिव्यू इसमें थे कमेंट्स, वो मैंने ये रिव्यू के लिए ये कमेंट्स पड़े हुए थे तो मैंने वो ओके कर दिए, पब्लिश कर दिए। इसके अलावा जो लाइकली स्पैम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कमेंट जिसमें सब्सक्राइब चैनल और लाइक वगैरह इस तरह के वर्ड्स या लिंक्स शेयर हुए हैं तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर टिक पर क्लिक करेंगे तो वो सारे अप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ नीचे आते हैं तो लास्ट में है एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स हैं हमारे पूरे चैनल की एनालिटिक्स हैं। ठीक है, पहले जो मैंने बताया वो तो सिर्फ एक एक वीडियो की, जिस वीडियो को हम खोलते हैं उसकी एनालिटिक्स हम लोग वहाँ पर चेक कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग पूरे चैनल की एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वॉच टाइम चेक करनी हो तो यहाँ से देखें, लास्ट पूरे साल की देखनी हो तो लास्ट 365 डेज का कर दें, और बाकी यहाँ से हम लोग डेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने डेज की आपने देखनी है। लास्ट 60 मिनट्स की देखनी हो तो अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा लास्ट 60 मिनट्स में कितना हमारे चैनल पे क्या चेंजेस आए हैं, कितना विजिट और व्यूज़ वगैरह सब्सक्राइबर्स आए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि YouTube स्टूडियो को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।